हमारे घर में म्यूजिकल नाइट का। दिस इज माय फाइनल लुक। हुसैन जो है फाइनली अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं इनकी, यही शिकायत है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि हमारे स्पेशल व्लॉग्स चल रहे हैं तो मुझे हर इंट्रो में स्पेशल बोलना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू चैनल पर आए हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है आखिर, तो इसलिए खैर आज मैंने आप लोगों को बताया था कि इवेंट होने जा रहा है हमारे घर में म्यूजिकल नाइट का। और सच बताऊं इतना सडन प्लान बना है कि बस समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन फुरैम जो है ना मेरा भाई, सारी चीजें कर लेता है, माशाल्लाह। मेरा ड्रेस भी आ रहा है, ऑन द वे है, अभी मैं मेकअप वगैरह करूंगी, सारी चीजें तैयार होंगी। इनविटेशन हमने भेज दिया था सारे गेस्ट। जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि ओनली 19 डेज लेफ्ट। अभी मैं ये 19 बोल रही हूँ, कल आप लोग ब्लॉग देखोगे तो 18 डेज लेफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए बी रेडी, बहुत सारी दुआओं में याद रखो और फंक्शंस को, ब्लॉग्स को, वीडियोस को एंजॉय करो। लेट्स गेट रेडी। यहाँ पे मैंने जो है वो गजरा बनवाया है अपने लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोगों को पता है, इतना ज्यादा हब्स हो रहा है बाहर, और बाहर ही हम लोगों ने सेटअप वगैरह करवाया है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के बाल बनवाते हैं कि जो कि मेरे बाल टाई हो जाए जिसके अंदर और खूबसूरत भी लगे, इसलिए मैंने ये गजरा मंगवाया है। इसको हम रख देते हैं फ्रिज में गाइस, क्योंकि खराब हो जाएगा। बाहर जो है वो डेकोरेशन वगैरह चल रही है, साथ में डेकोरेशन का जो खाने पीने का सामान होता है, प्लेट्स ग्लास वगैरह, वो सब आ चुके हैं। और हमारा आज डेकोरेशन वाला भी लेट हो गया है, खैर अभी सेटअप चल रहा है, बस लगने ही वाला है। हम बस तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, बस फिर बाल बनेंगे ना गाइस। यहाँ पर मेरे नेल्स का टोरे हैं। सो गाइज, मेरा ड्रेस भी आ चुका है, साथ में इसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा। और ये ड्रेस आया है हारिस शकील से, और जल्दी से मैं ये ड्रेस पहन रही, फिर आप लोग को अपना मेकअप दिखा। सो गाइज, मैंने प्यारा सा ड्रेस पहन लिया है, एंड दिस इज माई ब्यूटीफुल ड्रेस। आज हमने डिसाइड किया कि हम ब्लैक पहनेंगे, और अभी बाल बन जाएंगे, फिर मैं आप लोग को ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। आप साहब तैयार हैं? हैं खूबसूरत खूबसूरत लड़की मेरे खूबसूरत। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। मेरे बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुके हैं, साथ ही साथ बहुत ही प्यारी सी झुमकियाँ मैंने पहन ली। ये झुमकियाँ मुझे मम्मा ने निकाल के दी हैं, हालांकि मेरा इरादा नहीं था कानों में कुछ भी पहनने का, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये बहुत प्यारी लगी है, तुम पहन के देखो। मैंने जब पहनी तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। हाथों में छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी है। All set for today. This is my full outfit. जल्दी से जाके कॉमेंट सेक्शन बताओ कि आपकी प्यारी रबीका काशिफ खान कैसी लग रही हैं। और अब जो है वो हमारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर जो हैं वो आ चुके हैं, अब हुसैन आएंगे तो हम अपना प्यारा सा फोटो शूट करवाएंगे। आज जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उन सबको हमने 9:30 बजे की टाइमिंग दी थी, और अब 10 बज रहे हैं, अब तक कोई भी नहीं आया, इतना सब लेट करते। प्लीज आगे लेट मत कर देना फंक्शन में, क्योंकि डेड लाइन है भाई, हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज का। हम तो लेट नहीं होंगे, लेकिन लेट ना हो, मेरी खाला आ चुकी है। गाइस, ये गजरे मेरी खाला के लिए हैं। थैंक यू थैंक। अब मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं आएंगे, खोल के पहनने पड़ेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स वगैरह जो है अपनी बनवा रही है सोलो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और वो कब से आके बैठे हुए थे, मामा वगैरह ने बनवाई, हुसैन का इंतजार है, ऊपर से हमारे जितने भी गेस्ट उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, अब तक कोई भी नहीं आया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शदीद वाला। वो लोग आएंगे, खाना लगेगा, खाना खाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, तो मेरा डाइट वाला खाना जो है वो आ चुका है। सैन साहब का इंतजार है, वो आएंगे तो हमारी सोलो पिक्चर्स एंड वीडियोस बनेंगे। सैन जो है फाइनली पहुंच चुके हैं, और वो मुझे कॉल करके कह रहे कि मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ। मैंने कहा क्यों खड़े हुए, ऊपर आ जाए, तब वहाँ पे वो सबसे मिल रहे होंगे। यहाँ छुपी हुई हूँ, सैन जो है वो आ चुके हैं। लाई तो भैया आ गया, सैन कहाँ है? अन्नी ने रोक लिया, सबने हुसैन को रोक लिया। भैया तुम पंखा हल्का कर रहे हो, जल्दी से आएंगे। भैया भला जरा पकड़ना, सलाम।
मैं वो लेके आया था मेरे लिए गद्दे पीछे गाड़ी में। यहाँ पर जो है वो फोटो सेशन चल रहा है, सब जो है खड़े हो चुके हैं क्योंकि हम लोग साथ में यहाँ पे तब हमारी पिक्चर दे रहे थे और अब यहाँ पे हम इनसे पिक्चर्स वगैरह बनवाएंगे ताकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। 1000 years later गाइस ऊपर जो है खाना वगैरह लग गया था, हम लोगों ने पिक्चर्स बनवाई जल्दी जल्दी से, वीडियोस बनवाई हुसैन को लेके और वीडियोग्राफर को लेके। मैं नीचे आ चुकी हूँ, पानी पी रही हूँ क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। बिल्कुल आसानी इतने भारी कपड़े पहनना गर्मी में, कैसे मच्छर लग रहे हैं हम एकदम। मेरा हाल बेहाल हो चुका है लेकिन फिर भी सही है, पिक्चर्स तो हो गए ना एटलीस्ट। मेरा काजल तो नहीं फैला, वो गॉड में काजल फैल रहा है। जस्ट लुक एट हिम, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये सबसे ज़्यादा डर था है हम लोग सुकून से खाना नहीं खा पा रहे थे तो नवाब साहब को इधर दिया मैंने अपने बेड पे। जेलेसी नहीं हो रही, मैंने अपने बेड पे आपको दिया है, समझ रहे। चले खड़े हो जाए, हम कितने दिन करीब आ रहे हैं, अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं इनकी, यही शिकायत है। अभी मेरी फुप्पो से भी यही शिकायत कर रहे थे, चले हम बाहर। अच्छा आप शिकायती बने हुए ना, चले अलग अलग चले। Let's go outside. Guys, बाहर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स बैठे हुए हैं, तब हमें जो है वो एंजॉय करने बाहर जाना है, हैंड वॉश कर लें। गाइस हुसैन जो है वो जा चुके हैं, सारे गेस्ट जितने भी आए हुए थे इनमें से कुछ गेस्ट जो है वो बचे हैं, बाकी सब जा चुके हैं। मेरी कैचर गई जो है, फोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है और सब
बातें वगैरह कर रहे हैं, आगे इवेंट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, डांस प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें करनी है। और आप लोगों को पता है कि बकरा ईद भी है आगे, तो हम सबको बहुत जल्दी करने की जरूरत है। तो यही सीन है, सारी डिस्कशन कर रहे थे कि कब हमें जो है वो डांस प्रैक्टिस के लिए आना है, सारी चीजें वगैरह करनी है। तो खैर जो भी होता रहेगा सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। हाँ नवाब, लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सिर्फ और सिर्फ यही था कि पूरे इवेंट में सारे इस तरह से बैठ के खाना खा रहे हैं, ये नवाब की तरह लेटे हुए हैं। उफला ये बच्चे भी ना गाइस, सबको टाइम मिला है प्रॉपर। मतलब उस वक्त मैं भी इतना घनचक्कर बनी हुई थी, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, शूट के चक्कर में ये वो ऊपर नीचे इतना रश, घर के इवेंट्स तो कुछ इसी तरह से होते हैं। इन भाई साहब को भी अभी टाइम मिला है बेचारे, ये भी थक चुके हैं। थक गए आप? थक गया हूँ, मैं नहा धो भी लिया था, सुकून से नींद आ जाए। और लेकिन मुझे लगा, मैं सोचा था सोंग जाके गए, हमें जैसी उपाय है पता लगा, यहाँ तो हर जगह लगा हुआ है, दूसरी शिफ्ट चल रही है खाने की। हमारे अभी जो रिश्तेदार रुके हुए हैं और फुल ऑन सीन चल रहा है, तो आप लोगों को पता है शादी वाला घर जो होता है वो इसी तरह का होता है। माशाल्लाह माँ जो है वो यहाँ पे सबको खाना देने में लगी हुई है, सुबह का नाश्ता चल रहा है। उफल्ला सुन लो, मम्मा की बेचारी खुद से काम कर रही है गाइस। मम्मा का लुक चेक करें, आज का मम्मा का ड्रेस था बहुत ही प्यारा सा, और ये बहुत ही प्यारे बाल बने हुए थे, बहुत प्यारा मेकअप हो। क्या बोला है मैंने? आज हमने ये लुक किया हुआ था, ये बोला है मैंने, अब हंसी नहीं, मोए मोए हो गया गाइस। मम्मा हंसी नहीं, अम्मा इधर उधर खाना देने में मसरूफ थी। यार यहाँ पे खाना ही चल रहा है गाइस, पता नहीं क्यों हर इवेंट में मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनका इमोशनल होना ड्रामा है, सिर्फ ये ड्रामा क्वीन है, इस तरह की कोई बातें करें, बट आई रियली डोंट केयर। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होती है और वो ये चीज़ सोचता है कि इमोशंस भी कोई चीज़ है, और एक लड़की के लिए अपने माँ बाप से बिछड़ना इट्स नॉट इवन ईजी, पता नहीं बहुत मुश्किल हो हर लड़की के लिए, और मैं मानती हूँ, बट मेरे लिए उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे लिए 0.5% भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल आंचल में पली हूँ अपने माँ बाप के। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, बेहद हसीन, अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, और मैं जितना बोलूँ शायद मैं अपनी फीलिंग्स भी नहीं बयान कर सकती, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। लोग कुछ भी बोले मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे ये बात करनी है, बट बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र, आसान नहीं है। आई नो इट, ये जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत टाइम है, कहने को टाइम है लेकिन टाइम नहीं है। ये अभी जल्दी जल्दी जितने साल गुजरे हैं सैन और मुझे साथ में, इतने जल्दी जल्दी साल गुजर गए, तो टाइम बिल्कुल नहीं है गाइस। टाइम यूँ चुटकियों में भाग रहा है, ऐसी चुटकियों में उम्र बढ़ रही है, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला मेरी जैसी हर लड़की हर बच्ची का नसीब अच्छा करे, हम सबका नसीब अच्छा करे, आमीन सुमामी। वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो, और बहुत सारा प्यार बरसा दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को दबाओगे तो आप लोग को आगे की अपडेट्स ऑन टाइम देखने को मिलेंगे, और मजा आएगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो यस, आई रियली लव यू ऑल, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हर एक एक बंदा जो इतनी सारी दुआएं दे रहा है, इतना सारा प्यार दे रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। थैंक यू सो मच ऑल रबीकियंस, रबीसेनियंस, रबीका फैम, हुसैन फैम, एवरीवन आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, वी रियली लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, जस्ट कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।